आज का जो विषय है, चूंकि बौद्ध समाज की स्थापना के लिए बौद्ध आज समाज आचार संहिता को अंतिम रूप देना, तो ये जो आचार संहिता है बौद्ध समाज के लिए, इस पे आज दो दिन चर्चा होगी। इस पे लोगों के, आप लोगों के सामने चाहे वो प्रेजेंटेशन किया जाएगा या आप लोगों के विचार लिए जाएंगे, इसी पे ये कार्यक्रम आयोजित है। तो निस्संदेह ये बड़ा एक ऐतिहासिक क्षण है और ये कार्यक्रम भी ऐतिहासिक है कि हम इन दो दिनों में आचार संहिता जो आचरण का क्या है, क्योंकि दुनिया में जो अगर भिक्षुओं को आप देखेंगे तो उनकी एक पूरे दुनिया में एक आइडेंटिटी है, पहचान है कि उनका जो केश होगा वो मुड़ा हुआ होगा और उनके शरीर पे जो है कासाय वस्त्र होगा। तो आप भिक्खु और भिक्खुनियों को तो पहचान सकते हैं, उपासक को पहचानने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और उसको भी भंते जी ने अपने प्रयास से जो एक कारवां शुरू किया था कि हम बौद्धों का जो है सफेद ड्रेस में आना चाहिए, जब हम श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा या और देशों को देखते हैं, कुछ महायान कंट्रियों को छोड़ करके, लेकिन जो थेरावादी की जो कंट्रियां हैं उनको देखते हैं, तो वो सारे जब भारत में अपने तीर्थ यात्रा पे आते हैं तो सभी के सभी 10 दिन भले रहें लेकिन वो 10 दिन भी सफ़ेद वस्त्र ही पहनते हैं। तो भंते जी ने इस कार्यक्रम में ये बात तो ला दी कि सभी लोग, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो सारे लोग सफ़ेद वस्त्रों में हैं। एक पहचान बनाई, एक आइडेंटिटी आपकी बनाई कि हम इतने से बौद्ध तो जाने जाएं। लेकिन सफ़ेद कपड़े तो बहुत सारे लोग पहन लेते हैं, ये भी कोई बहुत पक्की आइडेंटिटी नहीं है। कार्यक्रमों में तो आ सकते हैं, कार्यक्रमों में तो पहचाना जा सकता है, लेकिन कब और बहुत सारे मत के भी धर्म हैं, पंथ हैं जिसमें सफ़ेद वस्त्र बहुत सारे पहन रहे हैं, जैसे राधा स्वामी है और तमाम बहुत सारे हैं, सिखों में भी बहुत सारा ऐसा है, ये बात नहीं। दुनिया में जो बौद्ध है वो अपने कपड़े से नहीं पहचाना जाता। अगर दुनिया का बौद्ध पहचाना जाता है तो अपने आचरण से और अपने व्यवहार से पहचाना जाता है। अगर वो नमस्कार भी किसी को करता है तो उससे उसकी पहचान हो जाती है, वो किसी को कुछ देता है तब भी उसकी पहचान हो जाती है, और किसी से कुछ लेता है तब भी उसकी पहचान हो जाती है। तो जो बौद्ध धर्म है यह एक तरह से आचरणीय और पालनीय दोनों ही है। एक तो इसको अपने आचरण में लाना पड़ेगा और दूसरा इसका अपने जीवन में पालन करना पड़ेगा। तो भिक्षुओं के, भिक्षुनियों के तो भगवान बुद्ध ने विनय बनाए हैं, नियम बनाए हैं, उनकी आचार संहिता है, लेकिन चूंकि भारत से बौद्ध धर्म का ह्रास हो गया और यहां से जो है वो हमारी जो सभ्यता थी, हमारी जो संस्कृति थी, हमारा जो आचरण था, हमारी जो पद्धति थी, वो सारी समाज से धीरे धीरे गायब हो गई। आज बाबा साहब के 1956 के आंदोलन के बाद जब भारत में बौद्ध धर्म पुनर्स्थापित हो रहा है,
तो इस स्थापना में जो ये प्रयास है बंते करुणाशील राहुल जी का, ये प्रयास निसंदेह बड़ा ही सराहनीय है कि वो आज इस पे बात कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। और आज नहीं, ये विगत 10 वर्षों से 15 वर्षों से इस काम में लगे हैं और आज वो उसका एक स्वरूप दिख रहा है, एक रंग दिख रहा है। और आज आवश्यकता आई कि हम आचार संहिता की बात करें कि हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारे क्या व्यवहार होने चाहिए, हमारा क्या आचरण होना चाहिए, हम कैसे अपनी एक पहचान बनाएं। तो इन सब विषयों पे ये गोष्ठी और जो संगोष्ठी है ये चलेगी। जैसा कि मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊं कि कोई भी धर्म अपनी चार चीजों पे टिका होता है और जब इस देश में जो विनाशकारी हवा चली, विपरीत परिस्थितियां आई, उसमें वो सारी चीजें नष्ट कर दी गई। और हम सब लोग यहां समझदार हैं, जानने वाले हैं कि किस तरह से इस देश में भिक्षुओं का जो है कत्लेआम हुआ, जबरदस्ती जो है विहार सारे तोड़ दिए गए, हमारे जो धार्मिक स्थल थे उन पे कब्जा कर लिया गया। और जो लोग बचे रहे उनके साथ जोर जबरदस्ती और उनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ। तो उन चीजों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहली चीज तो जो हमारे आस्था और श्रद्धा का जो स्थल होते हैं उनका होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि श्रद्धालु व्यक्ति अगर बुद्ध के प्रति, बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति उसके मन में आस्था श्रद्धा उत्पन्न होती है, तो जैसे दुनिया के और बहुत सारे लोग तीर्थों पे जाते हैं तो ऐसे हमारे बौद्ध लोग भी अपने उन तीर्थ स्थलों पे जाना चाहते हैं। तो आप जानते हैं कि चार महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं हमारे, जो लुम्बिनी है, बुद्धगया है, सारनाथ है, कुशीनगर है। ये चार तो अति महत्वपूर्ण है, इसके अलावा भी चार हैं जहां लोग जाते हैं। तो उसमें है आपका श्रावस्ती है, संकिसा है, कौशाम्बी है और राजगिरी है। तो इन जगहों पे जाते हैं। तो ये यहां जाने से हमें क्या होता है कि हमारे अंदर जो हमने पढ़ा है, सुना है, समझा है, उन जगह पे जा करके हमें एक उसकी प्रामाणिकता प्रतीत होती है कि भगवान बुद्ध के यहाँ चरण पड़े, भगवान बुद्ध यहाँ ये उपदेश दिए, भगवान बुद्ध ने यहाँ ये बात कही। तो इन सारी बातों को पुष्टता होती है और उससे हमारा जो विश्वास है वो मजबूत होता है। इन जगहों पे ये होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमारे जीवन में हम लोगों को, बौद्धों को, धर्म यात्रा करनी चाहिए, इन सारे तीर्थ स्थलों को दर्शन के लिए जाना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे लोग भारत से बाहर के जो बौद्ध उपासक हैं वो लाखों, कई लाख खर्च करके भारत में आते हैं, उन्हें पासपोर्ट लेना पड़ता है, वीज़ा बनाना पड़ता है, फ्लाइट टिकट लेनी पड़ती है, जगह जगह बस बुकिंग, होटल, सारी चीज़ें करते, तो उसमें हर चीज़ में पैसा लगता है। तो आने से लेकर के जाने तक उनके बहुत खर्चे होते हैं। तो उनके अपेक्षा हमारे लोगों के खर्चे उसके
10% भी नहीं है। आप चाहें तो सारे बौद्ध तीर्थों को 10,000-15,000 में घूम सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो वो 1.5-2 लाख से उनका, जो एशिया के लोग हैं उनकी ही बात बता रहा हूँ, जो यूरोपियन हैं उनके तो और खर्चे हो जाते हैं, लेकिन वो सारे के सारे लोग आते हैं और बहुत श्रद्धा से आते हैं। आपने कभी देखा होगा वो कुशीनगर जाते हैं, भगवान बुद्ध की जो लेटी हुई प्रतिमा आपने देखी है, वहाँ घंटों रोते हैं, फूट फूट के रोते हैं, खासतौर से जैपनीज, वियतनामी, ताइवानी, बहुत सारे लोग। तो उन्होंने क्या है कि माँ के अब गर्भ पेट में थे तब से केवल सुन रखा है, तो ऐसे उनकी जो श्रद्धा है वो और बलवती होती है। तो ये चीजों को पहचान होना बड़ी आवश्यक है, और सारे लोगों को वहां जा करके एक बार जीवन में, 2 बार 3 बार जितना मौका मिले आपको जाना चाहिए, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, किसी भी तरह से जाएं। तो जाने आने से उस जगह का, एक तो हमारे जीवन में जितने बार उन जगहों को देखेंगे हमारा अपना लाभ होगा, दूसरा हमें देखकर दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे, उनके अंदर भी उत्साह पैदा होगा। तो इस बात को धर्म यात्रा के रूप में आपको करनी चाहिए। हम श्रावस्ती में जैसे रहते, कभी कभी हमें बहुत सारे लोग फ़ोन करते, बनते जी हम श्रावस्ती आना चाहते हैं, हम कहते हैं आपका स्वागत है, आइए। लोग कहते हैं बनते जी हम घूमने आना चाहते हैं श्रावस्ती, हम कहते हैं मत आओ, घूमने मत आओ, क्योंकि श्रावस्ती घूमने की जगह नहीं है, वो हमारा तीर्थ स्थल है, वहाँ आप दर्शन करने आओ, वंदना करने आओ, पूजा करने आओ, है ना, ध्यान करने आओ, कुछ करने आओ, लेकिन घूमने मत आओ, क्योंकि वो घूमने की जगह नहीं है, वो पवित्र स्थल है, वहां तो आपका मन श्रद्धा से भरा होना चाहिए, भावना से भरा होना चाहिए, धर्म की शिक्षाओं से भरा होना चाहिए। तो मौज मस्ती के लिए जाओ तो मत जाओ तीर्थस्थलों पे, आपको जाना है आप ऊटी जाओ, शिमला जाओ, मसूरी जाओ, नैनीताल जाओ, कहीं चले जाओ, घूमने जाना है। लेकिन जीवन में अगर बौद्ध तीर्थों पे जाना है तो घूमने मत जाना, वहाँ पूजा के उद्देश्य से जाना, दर्शन के उद्देश्य से जाना, मन को अच्छा करके जाना, और हो सके तो जो जाएँ तो वो 10 सील 5 सील ले करके जाएँ, उनका वहाँ पालन भी करें पूरे 10 दिनों में, तो कहीं ना कहीं हम कुछ सीखेंगे, वरना हम जा करके भी, मतलब कुएं के पास जा करके भी प्यासे रह जाएंगे। हमारी जो धर्म की पिपासा है, जो धर्म की प्यास है, वो शांत नहीं होगी, तो वहां हमें श्रद्धा से जाना। दूसरी चीज कि समाज में तीर्थस्थल तो हो गए, दूसरी चीज कि धर्म के योग्य प्रचारक होने चाहिए, जो धर्म की बातों को, बुद्ध के वचनों को सही तरीके से, उसी तरह से समझा सकें, बता सकें, हमारे अंदर का अज्ञान दूर कर सकें, और हमें उनके, उनसे कुछ सीखने को मिले जो हम अपने जीवन में उसे उतार सकें। तो ऐसे योग्य प्रचारक होने चाहिए, और वो योग्य प्रचारक का काम भिक्खु भिक्खुनी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और बहुत सारे उपासक भी हैं जो इस काम को कर सकते हैं। जहाँ भिक्षु नहीं पहुँच सकता, जहाँ भिक्षु नहीं उपलब्ध हैं, तो उन जगहों पे अष्टशील और 10 सील वाले जो गृहस्थ उपासक हैं, अनागारिक जिसे हम कहते हैं, उस तरह का अनागारिक का जीवन जी करके भी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को लोगों तक पहुँचा सकते हैं, बचा सकते हैं। तो जब शिक्षाएं रहेंगी, शिक्षाएं प्रचारक रहेंगे, तो हमारा जो क्या कहते हैं धर्म है, वो सदैव आगे बढ़ेगा, उसके अनुयायियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। लेकिन यदि उनके प्रचारक नहीं हैं तो हमारी संख्या नहीं बढ़ सकती, और हम धर्म को विस्तार नहीं दे सकते, उसे जन जन तक पहुंचा नहीं सकते।
तो उसके लिए हमें योग्य प्रचारक होना और बनाना और जो उस काम में लगे हैं उन्हें सहयोग प्रदान करना, ये हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। तो इससे भी हम जो है धार्मिक हो सकते हैं, धार्मिक आचरण जीवन में पालन कर सकते हैं और हमारे अंदर धर्म भी आएगा। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण और है कि उन शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में, जैसे योग्य प्रचारक तो है ही हैं, उसके साथ साथ साहित्य की उपलब्धता भी बड़ी आवश्यक है। जैसे कुछ लोगों ने त्रिपिटक साहित्य का नाम सुन रखा है लेकिन देखा ही नहीं। कुछ लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि त्रिपिटक साहित्य में कितने ग्रंथ हैं, उनकी टीकाएं कितनी हैं, अनुटीकाएं कितनी हैं, कितना विशाल है, नहीं जानते। तो इसलिए जो ग्रंथ हैं हमारे, अब क्या है दुनिया में अज्ञानता है, लोगों ने एक एक किताबों को जो है सर पे उठा रखा है, कोई कहता है ये बड़ी है तो कोई कहता है ये बड़ी है तो कोई कहता है ये बड़ी है। लेकिन अगर बौद्ध भी उनकी तरह से कहने लगे कि हमारा सबसे बड़ा है, तो वो लोग तो एक एक किताब उठा लेंगे भाई, उनके पास गीता है, बाइबिल है, कुरान है ना, गुरु ग्रंथ साहिब है, वो सब तो उठा सकते हैं। लेकिन आप त्रिपिटक नहीं उठा पाओगे, क्योंकि 54-55 किताबों का बंडल इतना मोटा, क्यों धमकीर्ति बंदे जी, आप सर पे नहीं उठा सकते और वो सर पे ढोने की चीज भी नहीं है, है ना, सर के अंदर रखने की चीज है, सर पे उठाने की चीज नहीं। उसके लिए लड़ने की जरूरत नहीं, उसके लिए मरने की जरूरत नहीं, क्योंकि धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है, ये भगवान बुद्ध ने स्पष्ट कहा है। तो हम उन चीजों पे लड़ नहीं सकते, उस पे मर नहीं सकते। और आपने किताब बुद्ध धर्म की देखी होगी धम्मपद, ऐसा कहा जाता है कि अगर पूरा त्रिपिटक खत्म हो जाए और धम्मपद बची रहे, जो उसमें 423 गाथाएं हैं, उससे पूरा का पूरा फिर से त्रिपिटक लिखा जा सकता है, क्योंकि उसमें इतना बुद्ध वचनों का सार है और कोई भी विषय, कोई भी बात छोटी नहीं है, सब चीज कहा है भगवान ने। तो उससे हम त्रिपिटक की रचना कर सकते हैं, तो वो हमारे लोगों को उसका अभ्यास करना चाहिए, उसका पाठ करना चाहिए, उसकी गाथाओं को कंठस्थ करना चाहिए और उसे घरों में बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि वो बुद्ध वचन है, प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो उन बुद्ध वचनों को बार बार जब सुनेंगे तो उनके सार को भी समझेंगे, तो ये इससे भी हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, हम सीखेंगे। और जो चौथी चीज है, पहली चीज क्या हो गई, हमारे आस्था और श्रद्धा के केंद्र, दूसरा योग्य प्रचारक, तीसरा हमारा साहित्य, और चौथा हमारा जो महत्वपूर्ण चीज है वो धर्म का पालन करने वाले अनुयायियों, अनुयायी होने चाहिए, जो उसको खुद भी अपने आचरण में ढालें और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो मार्ग प्रशस्त करें, उन्हें भी सिखाएं। तो जो अनुयायी होंगे, पालन करने वाले लोग होंगे, तो धर्म अपने आप फैलेगा, फूलेगा, फलेगा। और जैसे आज नए नए विहार बन रहे, तो ये कौन बना रहा है, ठीक है कि आज कोई भिक्षु उसकी अगुवाई नेतृत्व कर रहा है, लेकिन बना तो ग्रस्त ही रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, ग्रस्त के ही घर से तो आ रहा है, विहार में जो सुख सुविधाएं हैं वो वहीं से तो आ रही हैं। अब आपको पता नहीं होगा, श्रीलंका की इकोनॉमी हमसे बहुत डाउन है, बर्मा की इकोनॉमी भी हमसे बहुत डाउन है, बहुत ही ज्यादा डाउन है, लेकिन वहां के जो उपासक जब आते हैं समूह में, ग्रुप में आते हैं, तो
तो अपने साथ विहारों में दान करने के लिए चटाई, झाड़ू, है ना, साबुन, मंजन, ब्रश, तेल, मसाला, मतलब बाम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से लेकर के आते हैं। श्रीलंका में जैसे क्या है, वो नारियल का पाउडर भी लेके आते हैं। उनकी झाड़ू देखेंगे तो अब प्लास्टिक की जैसे खड़े खड़े लगाने वाली झाड़ू है, ये तब लेके वो आते थे, वो नारियल की बनाकर, नारियल की ताड़ की बना के लेके आते हैं। आज भी जैसे सिखों में आप देखिए, उनके गुरुद्वारे में कोई भी जाता है तो पहली चीज़ सर पे कपड़ा डाल के जाता है, वो उनका रूल है। दूसरी चीज कि कोई भी गुरुद्वारे में जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ न कुछ लेके जाता है। और गुरु ग्रंथ साहब के पास जब मत्था टेकने जाता है तो बिना दान पेटी में पैसा डाले वो मत्था नहीं टेकता, समझे आपके नहीं। अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो जाके वहां मत्था नहीं टेकता। तो अब फर्क क्या है, इसका आप फर्क समझो कि आप कोई भी गुरुद्वारा आधा अधूरा या बिना टाइल का, बिना पेंटिंग का आप नहीं देखोगे। किसी भी शहर में चले जाओ, उनकी संख्या चाहे 100 ही क्यों ना हो, 50 ही क्यों ना हो, लेकिन उनका गुरुद्वारा जो है कितना सुंदर होता है और एक रूपता है। दूर से आप देख के पहचान जाओगे कि ये गुरुद्वारा है ना। और उसमें लोगों के लंगर की व्यवस्था होती है, चाहे छोटा लंगर चले चाहे बड़ा चले, आने वाले आगंतुक को भोजन मिलता है। तो वो सीखने की बात है कैसा चल रहा है, क्योंकि उनके भी तो डिवोटी ही हैं, दानदाता ही हैं, तभी तो चल रहा है। वो तो अपने ग्रंथी को, सेवादार को तनख्वाह भी देते हैं, कोई फ्री का नहीं है। आपके लिए तो आपका भिक्षु फ्री का है, उसके बाद भी समस्या खड़ी हो रही हमारे यहां। कितने हजारों बिहार खाली पड़े हैं, सारे अधूरे पड़े हैं, किसी की फर्श नहीं तो किसी की छत नहीं तो किसी का प्लास्टर नहीं तो किसी का कुछ नहीं है कि नहीं। ऐसे ये क्यों, कहीं ना कहीं हम अभी मानसिक रूप से, ठीक है, हम इस मामले में कमजोर हैं। आप देखो बर्मा का विहार, श्रीलंका का, थाई का विहार देखो, खासतौर से श्रीलंका और बर्मा का देखो, उनके विहार सोने के जैसे चमकते हैं, गोल्डन रंग होता है, कितनी सुंदर कलाकारी, कितनी अच्छी डिजाइन होती होगी, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। लेकिन उनके जो उपासक हैं, उनके घर भले ही छप्पर के हों लेकिन उनके विहार सोने जैसे होते हैं। और हमारे अभी भारत में क्या है, हमारे विहार आधे अधूरे है ना, और अनफिनिश्ड हैं, लेकिन हमारे उपासकों के घर बहुत चमकदार हैं, बड़े सुंदर टाइल लगी है, बड़ा सुंदर मार्बल लगा है, बड़े सुंदर पेंट हैं, घर में सारी सुविधाएं हैं। तो हमारे घर सुंदर हैं, हमारे विहार खराब हैं। उन देशों में जाके आप देखो कि उनके विहार सुंदर हैं लेकिन उनके घर चाहे जैसे हों। तो ये धारणा बदलनी होगी। तो उसके लिए क्या है कि हम सबको अपने कमाई से कुछ न कुछ रोज निकाल करके अपने घर में, जहां हमारा पूजा का स्थल है, जहां हमने भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित कर रखी है, वहां एक दान पेटी रखें। और हम जब अगरबत्ती, मोमबत्ती, फूल, कुछ पूजा, वंदना, त्रिशरण, पंसील कुछ करने जाएं, तो उस दान पेटी में रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया जो भी हो, हम रोज डालें, खुद भी डालें और अपने बच्चों से भी उसमें डालने के लिए कहें। फिर वो पेटी जब हमारी भर जाए तो हम किसी भी पूर्णिमा को, किसी भी है ना, ऐसे चाहे वो कार्तिक पूर्णिमा हो, चाहे आषाढ़ी की पूर्णिमा हो, चाहे बुद्ध की पूर्णिमा हो, है? या बीच में जब भी आप विहार जाएं तो उसे ले जा करके विहार के दान पात्र में डाल दें।
तो हमारे दान पात्रों में भी कुछ न कुछ आने लगेगा। आज बिहारों में जो दान पात्र हैं उनको जब हम खोलते हैं तो महीने में 1000-1500 से ज़्यादा नहीं निकलता, है ना? तो विहार कैसे संचालित होगा, कैसे आगे बढ़ेगा? तो ये हम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ इसके लिए करना होगा। और दूसरा है कि जो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं हम उसका भाषण ज्यादा करते हैं, पालन कम करते हैं। तो भाषण कम करके पालन करने की परिपाटी शुरू करनी होगी। हमारे यहां वक्ता बहुत मिल जाएंगे, है ना, लेकिन आचरणकर्ता कम मिलेंगे। और जब मंच पे लोग बोलते हैं, एक तो पहली चीज आयोजक, चाहे वो भिक्षु हो चाहे कोई ग्रस्त हो, उसकी अपनी समस्या होती है कि वो चाहता है कि बहुत सारे लोग आएं और अच्छे लोग आएं, पढ़े लिखे लोग आएं, अधिकारी आएं, सम्मानित लोग आएं। तो वो बेचारा क्या करता है कि ये भी आए वो भी आए, सबको मंच दे देता है। मंच दे दिया तो भाई दो दो मिनट देना भी उसकी मजबूरी है, 10 मिनट 5 मिनट देना मजबूरी है। तो अब एक व्यक्ति बोल के कुछ गए अपने ज्ञान अनुसार, दूसरा आता है उनकी ही बातों को काटने लगता है, तीसरा आता है और तीनों की बात काटने लगता है। तो ये इतना कंट्रोवर्सियल हो जाता है, विवादित हो जाता है कि सुनने वाला किसकी सुने, किसकी माने, किसके पे चले और क्या करे। और जिसको बोलने का मौका नहीं मिला तो बाहर निकलते ही वो फूट पड़ता है कि हमको बुला लिया लेकिन हमें 2 मिनट मौका नहीं दिया, क्या हम उनसे खराब बोलते, मैं अगली बार इनके कार्यक्रम में नहीं आऊंगा, ऐसी उद्घोषणा कर देता है। तो ये सब सारी चीजें भी हमें खत्म करनी चाहिए। 100 वक्ता 10 वक्ता 20 वक्ता की जरूरत नहीं है। आप मंच पे अपने में डिसाइड कर लो कि हमने महीने में एक दिन ये जो प्रोग्राम, चाहे विहार में हो चाहे विहार से बाहर हो, एक व्यक्ति या 2 व्यक्तियों को ही हम समय देंगे, पूरा समय देंगे और उनके विचारों को सुनेंगे। उनसे आप पहले कह दो कि आप इस विषय पे या इस बात पे विस्तार से बात करो। तो एक व्यक्ति की जब बात होगी तो लोग अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और तभी उसको जानेंगे। तो ये एक चीज हम लोगों को प्रोग्रामों में, चाहे वो भिक्षु करते हो चाहे उपासक करते हो, इस बात पे विचार करना चाहिए कि हम वक्ता 100, 20, 10, 50 ना रखें। जैसे हमारे लखनऊ में है, पूरे महीने अंबेडकर माह मनाया जाता है, कई कई मोहल्लों गलियों हर जगह मनाया जाता है। यहाँ कुछ उपासक होंगे लखनऊ से भी, बुरा ना मानना भाई आजकल तो और अगल बगल के जिलों में भी होने लगा है, लेकिन वहां वक्ता इतने हैं कि पूछिए मत। और 2 मिनट में आदमी क्या बात कर सकता है, कितनी बात कर सकता है। और बड़े मजे की बात यह है कि बात अपनी कहेंगे और कंट्रोवर्सियल अपना बोलेंगे, विवाद अपना खड़ा करेंगे और डाल देंगे उसको बाबा साहब के मुंह में कि बाबा साहब ने ऐसा कहा। कोई रेफरेंस नहीं देंगे कि यह बात बाबा साहब ने इस जगह पे ये बात इसलिए कही। तो ये सारी चीजें जो है थोड़ी सी छोड़नी होंगी। दूसरा बात कि हम बौद्ध लोग भी जितना विनम्र होना चाहिए, जितना शांत होना चाहिए, जितना मैत्रीपूर्ण आचरण और व्यवहार होना चाहिए, हम कहीं ना कहीं इसके विपरीत बहुत इगोइस्ट होते जा रहे हैं, हम अहंकारी होते जा रहे हैं, हमें बात बर्दाश्त नहीं हो रही है, हम विरोध कब और कहाँ करना चाहिए, कैसे किसी को सीख देनी है, ये भी भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को आपस के जो मतभेद हैं, है ना, मतभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, मैं नहीं कहता कि पूरी दुनिया एक विचार की हो सकती है,
तो मतभेद तो हो सकता है, लेकिन हमारे लोगों में जो मनभेद हो रहा है, मन का भेद कि वो बुद्ध विहार में आएगा तो हम बुद्ध विहार नहीं आएंगे, उसको बुलाएंगे तो हम नहीं आएंगे, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इस बात को आपको छोड़ना है। आपका रिश्ता नहीं है, आपको पसंद नहीं है, आप उसके विचारों से नहीं सहमत हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन विहार में आप भी आएंगे और वो भी आए, भले ही क्यों ना सीट कहीं ना हो, हमारे बगल में ही आके बैठ जाए, तो भी आपका मन मैला नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर वो नमस्कार करता है तो नमस्कार करिए। तो उस कैंपस में कम से कम आप अपने सारे बीती बातों को, अपने विचारों को, अपने झगड़ों को, अपने अहंकार को छोड़ दीजिए। अगर नहीं छोड़ते हैं तो आप अपनी भी हानि करते हैं और अपने धर्म की भी हानि करते हैं, क्योंकि आपकी वजह से कुछ लोग विहार नहीं आ रहे हैं। तो क्या वो बौद्ध नहीं है? और परफेक्ट कौन है, परिपूर्ण कौन है? कमियां सब में हो सकती हैं, और जिसमें कमी है उसको सुधरने का मौका देना चाहिए, समझने का, समझाने का अवसर ढूंढना चाहिए हमें कि हम उसका हृदय परिवर्तन कर सकें। और हम भाषण से किसी का हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते, हम आचरण से, व्यवहार से, शालीनता से, अपने मैत्रीपूर्ण चित्त से, और जब मैत्रीपूर्ण आचरण करेंगे उसी से हम किसी का मन बदल सकते हैं। और शत्रु कौन है? भगवान ने, अगर भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं आप, तो भगवान बुद्ध ने बाहर तो किसी को शत्रु माना ही नहीं। अगर हम बौद्ध हैं, अगर इस बात को हम समझते हैं, तो बुद्ध ने कहां कहा कि बाहर शत्रु है? शत्रु तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हमारे अंदर है, है ना? हमारा राग, हमारा द्वेष, हमारा लोभ, है ना, हमारी वासनाएं, हमारी तृष्णाएं, ये सब हमारे शत्रु हैं। तो हम इन्हें छोड़ने के बजाय हम बाहर के लोगों को छोड़ रहे हैं जिनके साथ हमें मैत्री रखनी है। भगवान ने कहा, भगवान बुद्ध ने तो नहीं अंगुलीमाल को छोड़ दिया उसके हाल पे, हैं? उसका हृदय परिवर्तन करने जंगल में चले गए, अपने प्राण की परवाह नहीं की, किया ना बुद्ध ने? उनके भी तो प्राण जाने का डर था भाई, था तो वो हिंसक ही, चला देता तलवार। क्या भगवान बुद्ध हाण मास के नहीं थे? कट तो जाते ही। तो लेकिन भगवान ने अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी उसका हृदय परिवर्तन किया। अम्रपाली जैसी गणिका का संघ में सम्मिलित कर रही किया, समाज को विरोध से नहीं डरे, है ना? अगर वो कहते कि हमारे अनुयायी नाराज हो जाएंगे या इसका विरोध होगा, ये होगा, तो उन्होंने सारे चैलेंज को अपने जीवन में स्वीकार किया। तो उसी तरह से हम लोगों को भी सारे चैलेंज को स्वीकार करना है और अपने अंदर को, अहंकार को मारने के लिए अगर खुद को मारना पड़े तो मार दो, लेकिन अहंकार मर जाना चाहिए। तो इसलिए जो है बहुत आवश्यकता है कि हम जब आचार संहिता की बात करेंगे, आचरण की बात करेंगे, व्यवहार की बात करेंगे, तो हमारे ये सब विकार उठ के आएंगे। और जो आपस में मैत्री नहीं हो पा रही है, हम करुणा नहीं कर पा रहे हैं, या जो जिसके साथ हम, जो भगवान बुद्ध के जो धर्म के स्तंभ हैं, समता, समानता, न्याय और बंधुत्व, जिसकी भाषणों में हम बात करते हैं, तो ये समता कैसे आएगी? तो हम जब तक इस जाति व्यवस्था को नहीं खत्म करेंगे तब तक हम समता की बात बेईमानी है। हम अपने ही कौम में जाति ढूंढ रहे हैं, अपने ही बौद्धों में जाति ढूंढ रहे हैं। आज तो ये बुरा हाल है कि बौद्धों में जाति हो गई है, भिक्खुओं में जाति हो गई है। ये जाति का जहर इस देश के विनाश के
के लिए है और ये बनाया हुआ किसका है, हम जानते हैं कि इसका बनाया हुआ किसका, लेकिन हम छोड़ने को नहीं तैयार, हम खुद उसको पालन कर रहे हैं, हम खुद उसको अपने बगल में नहीं बैठने दे रहे, हम कह रहे ये तो फलाना जाति का है, हम उसका सम्मान नहीं करते, पीठ पीछे उसको कहते अरे वो है तो हेट घृणा, तो हम घृणा कब छोड़ेंगे। तो जब ये जाति व्यवस्था, जब भगवान बुद्ध ने आज के 2600 साल पहले जब संघ में इसका उदाहरण दे करके समझा दिया कि कुछ नहीं है, है ना, और सब जैसे समुद्र में सारी नदियां मिलके एक रूप हो जाती हैं, वैसे संघ में आकर के सारे एक हो जाते हैं, चाहे वो उपासकों का संघ हो, चाहे उपासिकाओं का संघ हो, चाहे भिक्खुओं का हो, चाहे भिक्खुनियों का हो, फिर जाति कहाँ रह गई। लेकिन आज तो हम पता लगाने की कोशिश करते हैं ये भंते है तो कहाँ का है, कौन सी जाति का है, हैं, है कि नहीं है, सच मानिए। तो ये जाति का जो जहर है, इस जहर को कहीं ना कहीं हम लोगों को आपस में मिलके मिटाना होगा। तो यहाँ इस बात पे भी विचार हो कि हम जाति सरनेम लिखेंगे ही नहीं, उसका एक यही तरीका है कि हम सरनेम ना लिखें, और सरनेम यदि नहीं है तो हम उसकी जाति पूछे भी नहीं, ना हम पूछें और न किसी को हम बताएं। हम बौद्ध लिखना शुरू करें, हम बौद्ध ही मेरा धर्म, बौद्ध ही मेरी जाति, बौद्ध ही मेरा धर्म, सब कुछ है। तो इस बात पे हम लोग विचार करेंगे और इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जाति व्यवस्था कोई और नहीं खत्म करेगा, इसे खत्म करने की जिम्मेदारी हम बौद्धों की ही है और हम बौद्धों ने ही इसको शुरू किया था और इसको अंत तक ले जाएंगे, अगर हम बाबा साहब और भगवान बुद्ध के असली अनुयायी हैं तो ही हम समानता की बात होगी। समता की बात भी वही है कि हम किसी को आर्थिक रूप से ऊंच नीच ना समझें। कोई व्यक्ति गरीब हो सकता है लेकिन वो गरीब धन से हो सकता है, आचरण से गरीब ना हो, सोच से गरीब ना हो, विचार से गरीब ना हो, धर्म की शिक्षाओं पे गरीब ना हो, उसे हम वहां तक जाकर के धर्म देंगे, उसको हम सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, अपने बराबर बैठाएंगे और उसके लिए हम बराबरी का व्यवहार करेंगे। तो ये समानता प्रदर्शित करेंगे, मित्र हैं किसी भी जाति से हैं, किसी भी उसके हैं, लेकिन उनके साथ हम समानता प्रदर्शित करेंगे। तो ये हमारे अंदर के विकारों को खत्म करेगी। न्याय है, जहां तक न्याय की बात है, न्याय हम अपने घर में नहीं कर पा रहे, हम बाहर समाज में क्या करेंगे। न्याय का मतलब क्या है कि जिसका जो हक है वो उसे मिले, और किसी के साथ मिसबिहेव न करें। तो न्याय की बात यह है कि न्याय में आप उसको उसके हक, उसका अधिकार और उसका सम्मान बरकरार रखेंगे, यही आपके लिए न्याय है। और बंधुत्व क्या है? बंधुत्व भी यही है कि आप उससे भाई के जैसा रिश्ता रखेंगे, है ना। बंधु भाव मतलब देखने के बाद आपको प्रसन्नता उत्पन्न होनी चाहिए अंदर से, वो बंधुत्व भाव है। उठ के खड़े होकर उसका स्वागत करें, सम्मान करें, अपने बराबर बैठाएं, उसे जैसा खाते हैं वैसा खिलाएं, है ना। तो उसको जब इस तरह का हम आचरण करेंगे तो समाज में जो कटुता है, जो भेदभाव है, जो नफरत है, जो द्वेष है, जो ईर्ष्या है, ये धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। और जब ये खत्म होगी तो कहीं ना कहीं हमारे ही जीवन पे असर डालेगी, हमारा अपना जीवन सुखमय होगा, शांत होगा, और तभी हमारा जो है व्यवहार बदलेगा। तो जैसे मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि जब हम, जैसे आप लोगों ने अभी त्रिशण पंचशील लिया, ये त्रिशण पंचशील ही तो दीक्षा है, जो दीक्षा लेते हैं वो तब भी यही बात है। तो ये दीक्षा है, तो दीक्षा के बाद जो है शिक्षा शुरू होती है,
जैसे बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो वो क्लास अटेंड करने भी तो जाता है, तो शिक्षा आपकी कहाँ होगी? शिक्षा का केंद्र हमारे बौद्ध विहार थे, ये आपको जानना चाहिए। विहारों में सारी सुख सुविधाएं, जरूरतें होंगी, आचार्य होंगे, उपाध्याय होंगे, तभी तो वहाँ शिक्षा होगी। तो भिक्षु उस विहार में रहने चाहिए, उनको कोई सी चीज़ की कमी ना हो, ये ड्यूटी भी हमारी है। हमारा विहार खाली है ये हमारे लिए दुख की बात होनी चाहिए, चाहे हमने अपने निजी पैसे से ही क्यों ना बनाया हो, लेकिन हमें उसको विहार दान चतुर्दिश दान कहलाता है। चतुर्दिश दान माने चारों दिशाओं को दिया हुआ दान, क्योंकि चारों दिशाओं से उपासक आएंगे, भिक्षु आएंगे, भिक्षुनी आएंगे, वो उसमें प्रवेश पा सकें, तो किसी के लिए द्वार बंद नहीं है। तो इसलिए जो है आपका विहार हमारा खाली नहीं होना चाहिए, उसमें भिक्षु रहें, ये सोचना हमारा काम है। कैसे प्रसन्न रह के रह सकते हैं इस बात का ध्यान रखना, बातें बहुत हैं कहने को, बात बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसे हमें समझना चाहिए कि हमारे जो विहार हैं वो भिक्षु से भरे हों, तो उसमें शिक्षा चलती रहेगी, प्रोग्राम होते रहेंगे, हम आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो हम कुछ सीख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, बात कर पाएंगे। तो ये चीज़ है, जब हम दीक्षा लेंगे, शिक्षा हमारी होगी, तभी हमारा संस्कार बदलेगा। जो हम पुरानी मान्यताओं में, अंधविश्वास में, पाखंड में, परंपराओं में पड़े हैं, ये परिवर्तन आएगा, शिक्षा और से संस्कार बदलेगा, और जब संस्कार बदलेगा तभी हमारी संस्कृति बदलेगी, है ना। हम जिस संस्कृति के वाहक हैं, हमारी श्रवण संस्कृति है ना। आज हम क्या है, मनुवाद की बात करते हैं, ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, ब्राह्मण संस्कृति की बात करते हैं, तो ये जो पूजा पद्धति, कर्मकांड, ये सारी चीज़ें क्या है, ब्राह्मणवाद है ना। हम खुद उसके पोषक हैं, हमारे लोगों को मंदिर कोई नहीं बुलाता, लेकिन जाते सब हैं। बिहार में बुलाया जाता है, ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है और कम लोग आते हैं, बहाना बताते हैं कि मैं तो यहाँ चला गया, मेरे घर में रिश्तेदार आ गए, तो ये हो गया, तो वो हो गया। अरे रिश्तेदार आ गए तो क्या हुआ, उनको भी लेके आओ भाई, तुम जा रहे हो तो उन्हें भी लेके आओ, चलो रास्ते में बात करते चलेंगे, वहाँ करेंगे, अगर उनके पास समय होगा तो आपके साथ आएंगे, नहीं होगा तो अपने घर जाएंगे। और तो इन चीज़ों का ध्यान, और घर में हमें सुबह शाम कम से कम इस बात का भी ध्यान रखना है कि आने वाली पीढ़ी के लिए जो हम घरों में विहार बनाते हैं, छोटा मंदिर बनाते हैं, मूर्ति स्थापित करते हैं, वहाँ सुबह शाम हम दीप जरूर जलाएं, एक अगरबत्ती, एक मोमबत्ती, एक दीप सुबह शाम हमें जलाना चाहिए, उससे घर का वाइब्रेशन अच्छा होता है। मन विकारों से भर जाता है, परेशानी, चिंतन, उलझन, समस्याएं होती, कम से कम उतनी देर तो आपको शांति मिलेगी। भगवान बुद्ध के पास जाओगे तो शांति मिलेगी ही मिलेगी, थोड़ी देर ध्यान कर लो अगर चित्त ज़्यादा विचलित है, कुछ सूत्र पाठ कर लो, भले ही किताब खोल के करो, कर लो, तो तुम्हारा घंटा एक घंटा बहुत अच्छा बीत जाएगा। तो इस बात का अभ्यास करो तो जो घर में दूसरे लोग हैं उनके ऊपर भी आपका असर आएगा, आपसे सीखेंगे, आपसे समझेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे आचरण को, हमारे व्यवहार को, हमारे कल्चर को निर्माण करती हैं। तो इन्हीं पे जो है अब ये कार्यशाला और आगे की चीज़ें होंगी, तो मैं बहुत समय मैंने लिया और मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ, और पुनः आयोजक बंधुओं को और आप सब लोग जो बहुत दूर दूर से दो तीन दिन पहले से ही चल करके यहाँ आए हैं, सभी उपासक उपासिका जो इतना मेहनत किए हैं, मैं सबके लिए रित्ति रत्नानुभाव से मंगल कामना करता हूँ कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब लोग सुखी और दीर्घायु हों, और जो भी यहाँ सुने उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, उसे सीख के जाएं, कुछ ले के जाएं, यही मेरी भावना है। सबके लिए पुनः एक बार भिक्षु संघ की ओर से, अपनी ओर से सबके लिए मंगल कामना करता हूँ।